ये वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए है, जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड, राजस्थान, जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड वाले हैं बच्चे, सबके लिए स्पेशल है। और मैं इस वीडियो में अवकलन का सबसे आखिरी प्रश्नावली एनसीईआरटी की किताब से, यानी विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर पहला से शुरुआत कर रहा हूँ। अब आप सोचेंगे यहाँ क्यों, इसके पहले का तो हम पढ़ा चुके हैं। तो जिसको शुरू से पढ़ना होगा वो हमसे संपर्क करेगा, मेरा मोबाइल नंबर बीच में कहीं पर दिख जाएगा या किसी और वीडियो मिल जाएगा, संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। आज की वीडियो का पहला सवाल है, 3x² - 9x + 5, 3x² - 9x + 5, इसकी होल पावर कितना दिया, होल पावर दिया है 9। इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। अवकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे वाई के बराबर। मान लिया, अवकलन करने का जो रूल है वो क्या है, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स आप वाई बराबर इतना के ऊपर जितना घात है उस घात को पकड़ के लाएंगे, शुरुआत में लिख देंगे, फिर ये ब्रैकेट में जितना लिखा है इसको वैसे जैसे है वैसे ही रहने देंगे। और जिस घात को आप यहाँ लाए थे उसमें से एक घटा के यहाँ लिख देंगे, नहीं समझे, अंदर वाली चीज़ जैसे थी वैसे मैंने लिखा, 9 को मैंने 8 बना दिया, फिर 9 को मैंने यहाँ भी भेज दिया, ठीक, पहला स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप इनटू में, अब क्या होगा, अब तुम मान लो कि ये 9 नहीं है, मान लो कि ये 9 नहीं है तो क्या क्या है, ये है, ये है, ये है, तो इनका भी अवकलन कर लो इसी लाइन में। तो इनका अवकलन कैसे होगा, 3 का 2 में गुणा करके, मतलब जो घात है इस घात में इस 3 का गुणा करके 2 × 3 = 6 लिखेंगे, और जितनी घात है उसने में से एक घटा देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ एक घटा के यहाँ लिखा, ऐसे यहाँ पर एक घटाओगे तो केवल एक ही आएगा ना, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। -9, ठीक है, -9 एक्स की एक घात यहाँ थी, इसका एक 9 में गुणा किया तो 9 आ गया, और फिर जब इसमें से एक घटाएंगे, एक घात में से एक घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0, एक्स की पावर 0 का वैल्यू 1, 1 का गुणा 9 में हो गया तो ख़त्म। अब +5, अचर पद का अवकलन 0 होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आंसर, ये पहले लाइन में बहुत करेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन लेके इसमें गुणा कर देंगे, 27 हो जाएगा। 27 कैसे बन रहा, 3 कॉमन लिया, 9 × 3 = 27, अंदर जो चीज़ है वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2x - 3, ये हो गया आपका आंसर। बच्चों अगर समझ रहे हो तो ज़रा कमेंट करिए यार, इंटरमीडिएट का सीजन का पहला वीडियो है आपके पास पहुँचा, ना समझ में आए तो बताइएगा, हम समझाने वाली दवा भी रखे हैं, अगर समझ में आए वो भी बताइएगा, हम आपको और आगे बढ़ाने वाली दवा रखे हैं। अगला सवाल, ये विविध प्रश्नावली का पहला सवाल था, विविध प्रश्नावली लिखना जरूरी है क्योंकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। अवकलन, ठीक है, पाठ 5 है एनसीईआरटी की बुक से, ये मैंने यहाँ पर राउंडेड बंद कर दिया। देखिए अगला सवाल है, sin³x + cos⁴x, 2 नंबर सवाल है, sin³x + cos⁴x, इसका अवकलन करना तुरंत वाई मान लो, दोनों पक्षों का अवकलन करो dy/dx, 3 घात को शुरुआत में खींच लेंगे हो जाएगा 3 sin⁴, 2 तीन घात को एक कम करेंगे 2x इंटू, अब सोच लो 3 घात है नहीं तो केवल sin⁴ है, sin⁴ का अवकलन होता है cos⁴। अब जरा इधर आ जाओ, cos का अवकलन, cos की घात 6 है, 6 को पहले शुरू में लाइए 6 हो गया, फिर cos लिखिए, इसमें से घात घटा के लिखना है 5x इंटू, अब समझ लो ये घात नहीं है, क्या तब है, cos है, cos का अवकलन -sin⁴ होता है, ठीक है। अब इसी को सिस्टमेटिक वे से लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया 3sin²x cos⁴ - ± हो गया 6 cos⁴x × sin⁴।
अगर कोई चाहे तो इसमें इसमें कॉमन ले लेगा, क्या कॉमन होगा, 3 sin x cos x। क्या बचेगा यहाँ से, केवल sin x बचेगा, माइनस 3 × 6 = 2 बचेगा, और cos की पावर 4x, बस इतना ही बचेगा ना। 3 sin cos कॉमन हो गया, 3 निकला, sin निकला, cos निकला, केवल sin 2 हो गया, cos निकल गया, 4 घात, sin निकल गया पूरा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। बड़ी छींक आ रही है बेटा। तो ये सवाल नंबर 2 का आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल अगले वीडियो में, बस ये छोटी सी वीडियो है, पर ट्राई कर रहा हूँ आप लोग कितना पढ़ते हैं, कितना देखते हैं, कितना कमेंट करते हैं, थैंक यू। कमेंट करेंगे, अगर कहेंगे कि सर रोज़ पढ़ाइए, रोज़ वीडियो डालिए, तो रोज़ रोज़ देंगे, बट ये आपको दे रहे हैं टेस्ट करने के लिए कि आपका इंटरेस्ट इस टेस्ट में है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।